फतेहाबाद में आज गो सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक साथ प्रदेश की 15 गौशालाओं का लोकार्पण किया गया। इसमें स्वामी ज्ञानानंद महाराज, स्वामी सदानंद महाराज भी उपस्थित रहे, वहीं सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी उपस्थित रही। इस अवसर पर लोकार्पण कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जनों और काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। सांसद सुनीता दुग्गल और स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि लगातार गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं आम जनमानस के लिए भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। अपना घर में यहां पर 42 बेसहारा लोगों का पालन पोषण किया जाता है और लगातार इसे बढ़ाया जा रहा है। घायल गौओं का उपचार भी यहां किया जाता है। इसमें फतेहाबाद के कई समाज सेवियों के द्वारा भी भाग लिया गया। वास्तव में अद्भुत प्रयास है। गाय हमारी भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है, गाय हमारी आस्था है, वो सत्य है, लेकिन गाय हमारा स्वाभिमान है। गाय शारीरिक रोगों की निवृत्ति से लेकर के विश्व बंधुत्व तक की जितनी दिव्यताएं अपनी भारतीय मनीषा में हैं उनको साकार प्रकट करने में सक्षम है। और जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य श्री स्वामी सदानंद जी महाराज का एक संकल्प पूरे इस क्षेत्र में गौशालाओं के माध्यम से गौ संरक्षण का है, गौ वंश के संवर्धन का है, और उचित ढंग से, श्रद्धा के ढंग से, भाव के ढंग से जो सेवा सम्मान का ये प्रयास है, ये वास्तव में स्तुत्य है। और एक संत की वास्तविक एक सोच कहाँ तक जा सकती है, एक संत का संकल्प किस किस रूप में प्रकट हो सकता है, उसका एक प्रत्यक्ष साकार उदाहरण है पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज का ये गौ भक्ति का गौ सेवा का संकल्प। स्वामी जी, अनेक गौशालाएँ होते हुए भी आज गौवंश दुर्दशा का शिकार है, क्या कारण? देखो, गौवंश के माध्यम से सेवाएं हो रही हैं, संत प्रयासरत हैं, संस्थाएं प्रयासरत हैं, गौ भक्त प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी एक जागरण की आवश्यकता है कि गाय को केवल दूध के लिए ही ना मान करके गाय हमारी माता है, उस दृष्टि से सेवे भाव जन जन को बनाना होगा। और साथ ही साथ हरियाणा में एक प्रयास, बड़ा सार्थक प्रयास प्रारंभ हुआ है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भी खड़े हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व चेयरमैन भी यहाँ हैं, और वो सार्थक प्रयास हुआ है गाय को लघु उद्योग के साथ जोड़ने का, गाय पंचगव्य को कहीं चिकित्सा के साथ जोड़ने का, पंचगव्य को कहीं पर्यावरण के साथ जोड़ने का, तो अलग अलग ढंग से जो ये प्रयास हो रहे हैं और कुछ गौ अभ्यारण्य बनाने के प्रयास भी हुए हैं, तो उस माध्यम से हमें लगता है कि आने वाले समय में ये समाधान हो जाएगा। वो सेवा लोकार्पण पे आप पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि श्री परिणामी संस्था के द्वारा महाराज जो सदानंद जी हैं, आपने देखा होगा कि सिर्फ हम गौशालाओं की बात ना करें, आप ये देखिए कि यहाँ पर ही कम से कम भी 42 मंदबुद्धि जो हैं हमारे, उनका यहाँ पर पूरी उनकी देखभाल चल रही है। मैंने खुद आकर जो है वो एक एक के साथ मेरी मुलाकात हुई है, और मैंने उन सबको जो साक्षात मेरी उनसे जो है मैंने उनके दर्शन किए हैं। और इसके साथ साथ सामूहिक विवाह की बात करें तो ये संत जो हैं, संत ही हम लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। और उसमें जो श्री परिणामी जो संस्था है, और उसमें भी सदानंद जी महाराज जो हैं, उनका कृतित्व जो है वो मैं कहूँगी कि सराहनीय है। और वो हम नतमस्तक हैं उन जिस तरह से वो समाज सेवा की तरफ लगे हुए हैं, और हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सरकार के द्वारा कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं गोवंश के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से आप अगर कंपैरिजन करें पहले वाली सरकारों ने जो किया और अब की सरकारों ने जो किया, तो तब आपके से ये सवाल नहीं निकलेगा मुंह से। क्योंकि गौ सेवा आयोग जब से हमारा बना है, मैं कहूंगी कि क्योंकि मेरी लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं, इसके अंदर जितना योगदान हमारी जो है हरियाणा की गौ सेवा आयोग ने दिया है, हमारे यहीं पर जो है उनके चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी है, बांग्ला जी भी सब यहीं पर हैं, तो इतना मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी भी कहीं दिया गया होगा। और इसके साथ साथ केंद्र में भी अगर मैं देखूं तो जैसे कामधेनु आयोग बनाया गया है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके से हम जो है अब धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ में आने लगी है कि गौ जो है उनको हम सिर्फ, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा, बिहारी लाल की तो हमें जयकारा लगाने में कंजूसी कतई ना करें, उनको दूध के लिए बोले श्री सद्गुरु महाराज की।
एक ब्यूरोक्रेट है अनिल नागर, बिन खर्ची बिन पर्ची की ब्रांडिंग खूब हुई थी, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है उसकी, क्या कहना चाहिए? देखिए उसमें जांच चल रही है, देखिए आप ये देखिए ना कि सरकार हमारी है और फिर भी अगर कहीं कहीं किसी तरह का अगर ये नजर आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बख्शा नहीं, जांच चल रही है और पूरा का पूरा उसके सख्त कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ।